इस आदमी को देखो, मैंने पता किया है कि ये भल्ला की A1 डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता है और नंबर 1 जासूस है। अगर हम लोग इसको किडनैप कर लें तो भल्ला इसके बदले हमें 1-2 करोड़ तो दे ही देगा। इरादा तो अच्छा है जग्गा, पर एक जासूस को पकड़ा तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ कि जग्गा सही कह रहा है, वैसे भी अपने डाकूगिरी में ज्यादा स्कोप नहीं बचा है। फिर ठीक है, आओ मेरा प्लान सुनो। वाह भाई जग्गा। पतीजे, और सुबह की ठंडी तरोताजा हवा में जॉगिंग करने का अलग ही आनंद है। ईश, आप तो बहुत अच्छी जॉगिंग करते हैं, पर मेरे हस्बैंड जितनी फास्ट जॉगिंग नहीं कर सकते। ओए, मैं सालों से जॉगिंग करता आ रहा हूँ, मुझसे फास्ट नहीं वो दौड़ सकते। अरे दौड़ता अरे दौड़ता तो कछुआ भी है, बोलो तो रेस हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए रेस, अभी पता चल जाएगा कौन कछुआ है और कौन खरगोश है। ओहो, जाने दो ना चाचू, आप जॉगिंग फिट रहने के लिए करते हो ना, रेस में मेडल पाने के लिए तो नहीं। ओए ना पतीजे, अब तो मेरी इज्जत का सवाल है। आओ भाई साहब, रेस हो जाए, इस गार्डन का राउंड लगाना है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। ओ पतीजे, गिनती गिन। ओके चाचू, रेडी स्टडी एंड गो। हाय मेरा बच्चा, अरे कोई कुछ करो, मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाय मेरा बच्चा। डिटेक्टिव एजेंसी। आ गया। ओए भल्ला, चाचा हमारे कब्जे में है, 1 करोड़ रुपए देकर छुड़ा लो, वरना इधर चाचा के साथ साथ तुम्हारी एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। क्या? नहीं। अरे मुझे मालूम है भतीजे, चाचे को कोई पकड़ के ले गया, मिलने दो से, ऐसी लात मारूंगी कि जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहेगा। क्या आप किसी ऐसे मैकेनिक या इंजीनियर को जानती हैं जो प्रैम को मोटर कार में कन्वर्ट कर सकता है? वहाँ से हमें उन अपराधियों का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। वो एक मैकेनिक है। हाँ।
एक बार पूछूंगी, सोच समझ के सही सही बताना। प्रेम को मोटर कार बनवा के कौन ले गया है? कैसी प्रेम, कैसी मोटर कार? मैं कुछ नहीं जानता। अरे बावड़ी, बहुत ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग ना कर, फटाफट मुंह के पट खोल। प्लीज जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। डग्गा नाम के छोटे से आदमी के लिए बनाई थी, वो फंटुश नगर के बाहर पुरानी फैक्ट्री में रहता है। लौटों के भूत बातों से नहीं मानते, चल भतीजे। चंदा दे दो, चंदा दे दो। ओए भतीजे, भला ये ठेला लेकर क्या कर रहा है? अरे रे रे रे, सॉरी भल्ला साहब, अभी अभी बर्गर खरीद लिया। कोई बात नहीं, बर्गर ही दे दो, मैं इसे खा के लंच के पैसे बचा लूंगा और वो इस फंड में डाल दूंगा। भल्ला अंकल, ये क्या कर रहे हैं? क्या? हम उनको एक पैसा नहीं देंगे, हम चाचू को छुड़ा के लाएंगे और उन्हें पकड़ के जेल भेजेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? वो लोग बहुत चालाक है, हमें भी होशियारी से काम लेना होगा। ऐसी चाल चलनी होगी कि हम उन तक पहुंच जाए और वो हमें पहचाने भी नहीं, वरना चाचा को खतरा हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है। बंदूकनी जी, ये प्रैम मैंने खोजी अंकल से स्पेशली बनवाया है, हम लोग भी उनका खेल उन्हीं की तरह से खेलेंगे। रेडी? ना बेटे, रोते नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। ओए, कौन हो तुम लोग? इधर कैसे चले आए? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। हम यहाँ से गुजर रहे थे, बच्चे को प्यास लगी तो सोचा आप लोगों से पानी ले ले। यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, आगे बढ़ो। कैसे इंसानों हैं? एक ग्लास पानी नहीं दे सकते? दिखता नहीं है बच्चा रो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं देता हूँ, यही रुको। अरे, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? इतनी देर लगा दी पानी लाने में, लगता है मेरा बेबी खुद ही पानी लेने चला गया। पकड़ो उसे। अरे डग्गा, कुछ करो, रोको इसे। के होते हुए चाचा को कुछ हो सकता है क्या? अरे बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, यू आर अंडर अरेस्ट। भागो यहाँ से। प्रैम उड़ती ही है। ओए बच्चे, तूने अपनी प्रैम कहाँ से बनवाई?
ओए एड्रेस तो बता दे, हम भी अपनी अगली बार वहीं से बनवाएंगे। पहले तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर सब कुछ बता दूंगा। पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। सब डग्गा, इब अपने दोस्तों के साथ जेल में चल के प्रेम चलाना, ठीक है? बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? वे हाँप दी जाओ। Subscribe to Wow Kids today.